नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आईच्या लाईव्ह फोन इन कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ म्हळ्यार इग्नू ह्या संस्थेतली प्रवेश प्रक्रिया या विशयाचेर आयच्या कार्यावळीत आमी भासाभास करपाचे आसात. आणि ते खातीर आमचे मदीं आसात इग्नूच्या पणजी केंद्राच्यो क्षेत्रीय संचालक डॉ कामेश्वरी मुर्ती, तशेंच फादर आग्नेल महाविद्यालयातले ग्रंथपाल श्री मिलिंद म्हामल. तुमका दोघांकूय येवकार. या कार्यावळीत तुम्ही तुमचे सगळे प्रश्न आणि ह्या प्रवेश प्रक्रियेबद्दलची माहिती जाणून घेऊ शकतात. ते खातीर तुमच्या स्क्रीनीचेर आमचे संपर्क क्रमांक दिले असतात, ते नोंद करून घ्यात. 2-2-2-2-4-2-4 या क्रमांकाचेर फोन करून तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारूक शकतात. नंबर परतून एक फावट सांगता, 2-2-2-2-4-2-4. इग्नू म्हळ्यार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठांतली प्रवेश प्रक्रिया हो आयच्या कार्यावळीचो आमचो विषय आसा. आणि कार्यावळीक आमी सुरवात करूया. पहिलो प्रश्न मॅडम तुमकां विचारता की इग्नू म्हळ्यार कितें, हे इग्नू क्या है, इग्नू के बारे में थोडीशी जानकारी. इग्नू है एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और ये बना है सन 1985 में, 1985. और ये ऐसे लोगों के लिए बना है जो किसी कारण से कॉलेज नहीं जा पाए. हो सकता है कि उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हो सकता है उनके कहीं जॉब लग गई, हो सकता है कुछ फैमिली कमिटमेंट थे. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं आगे लेकिन नहीं जा पाए. तो ऐसे लोगों के लिए जो मुक्त विश्वविद्यालय बना है वो जो है हमारे साथ एडमिशन ले सकते हैं. हो सकता है वो बहुत ही हिस्ट्री पढ़ना चाहता था, एमए हिस्ट्री, जा नहीं पाया. अब हमारे साथ वो एडमिशन अगर ले लेता है एमए हिस्ट्री में तो उसको हम किताबें भी देते हैं. और क्योंकि वो पहले से कहीं पर इन्वॉल्व है या तो जॉब में या कुछ फैमिली कमिटमेंट में, तो उसकी क्लासेस भी जो है हम उस पर छोड़ देते हैं. आप चाहें तो आप हमारे साथ पढ़ने के लिए आ सकते हैं, वो भी सिर्फ संडे को. और क्योंकि ये एक मुक्त विश्वविद्यालय है और क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो नहीं पढ़ पाए पहले, तो फीस भी जो हमारी बहुत ही रीजनेबल होती है. सर एक प्रश्न असा असा की इग्नू हाची निवड लोकांनी कित्याक, म्हणजे कित्याक करची, वाय इग्नू, असो एक प्रश्न बऱ्याचशे फावटी विचारलो वता. बऱ्याचशा लोकांक जेन्ना काम करता किंवा खंयच्या प्रोफेशनाक असता किंवा बेगीन कामाक लागता तेन्ना ते आपले जे मूळ शिक्षण जे असा ते करपाक पावना. ताका लागून इग्नो हे बेस्ट ऑप्शन असा. बिकॉज इग्नोचे जर डिझायन पळयले किंवा स्पेशली जे स्टडी मटेरियल जे असा ते भारतातले जे नामवंत प्राध्यापक असतात व्हडले व्हडले त्यांच्यानी ते डिझायन केले असा. इवन तुमकां जर तुम्ही ॲडमिशन घेतले आणि तुम्ही फक्त ते स्टडी मटेरियल वाचले तर यू आर मोर दॅन ग्रॅज्युएट, असे इग्नोचे स्वरूप असा. स्पेशली स्टडी मटेरियल, हे स्टडी मटेरियल बारीक पळोवन गेल्यार जायते बाकीचे जे युनिवर्सिटी आहा कॉलेजीन तेंका ताका उपयोगी पडटा. आणि इग्नोचे कोर्स जे डिझायन केले असा ताका लागून बरेचसे लोक ते आकर्षित जाता. एक कोर्स जो इग्नोचे संबंधित येता तो दुसरो कोर्स करता आणि किंवा लोकांक सांगता. ताका लागून इग्नोची भरभराट जी असा ती जायत असा. आणि गोंयानय तशी आहा, आमची जायती स्टडी सेंटरां असा. हांव एक स्टडी सेंटर पिलर हांगासर आमचे स्टडी सेंटर जवळ जवळ आता 10 वर्सां जायत दिल्ले असा. आणि ते आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आमचे जे स्ट्रेंथ असा ते कॉलेजी परसरी स्ट्रेंथ चड असा. असे म्हणजे तिथले स्टुडंट आमच्याकडे येतात आणि आम्ही जरी ते रेग्युलर असे काम करीत असले तरी हे पार्ट टाइम जॉब म्हणून आम्ही पळयतात. बरोबर. आणि तिथले आमची सोशल सर्व्हिस कशी जातात. बरोबर. असे एक असो प्रश्न येता की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इग्नू अँड अदर युनिव्हर्सिटीज ऑर अदर इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे इग्नू आणि बाकीच्या संस्थांतलो मुख्य फरक तुमकां किती दिसता, दोघांनी उत्तर घेऊ येतात त्याचे. देखिए सर, जो भी है युनिव्हर्सिटी हमारा रेकग्नाइज्ड है. जैसे किसी भी स्टेट को यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होता है वैसे इग्नो भी रिकग्नाइज है. और वो भी मैं इसीलिए बोलूंगी इसके बारे में कि हमारा यूनिवर्सिटी बना है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एंड वी आर अ नेशनल यूनिवर्सिटी. तो हो सकता है इस वक्त जिसने एडमिशन लिया है वो इस वक्त गोवा में है, हमारे साथ उसने बीए में एडमिशन ले लिया है. एक साल बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली. तो उसकी पढ़ाई छूटती नहीं है, उसने जो भी हमारे साथ पढ़ा होता है उसकी हम सारे जो है ट्रांसफर कर देते हैं. तो एक ये मेन चीज़ है इग्नू के बारे में कि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है. तो आप भारत में किसी भी स्टेट में पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी अपने स्टार्ट करके कहीं पे भी आगे कंप्लीट कर सकते हैं. ये आपकी खास के जो लोग होते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है. और इसमें मैं बताना चाहूँगी हमारे पास क्योंकि हम कोस्ट लाइन पे हैं बहुत सारे हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस के स्टूडेंट्स होते हैं. वो एडमिशन लेते हैं और हो सकता है 6 या 8 महीने बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है.
ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो और कहीं पढ़ नहीं सकते, वो किसी रेगुलर कॉलेज में नहीं जा सकते, जॉब भी करते हैं, पढ़ना भी होता है, और पढ़ाई करने के शुरुआत करते ही उनकी जो ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारे साथ पढ़ने का ये एडवांटेज है कि आप जहाँ जहाँ आपकी ट्रांसफर होती है वहाँ वहाँ हम आपकी ट्रांसफर भेज देते हैं, रिकॉर्ड भेज देते हैं। आप चाहे तो क्लासेस, किताबें वही रहते हैं, क्लासेस आप वहाँ अटेंड कर लिए जहाँ पे उस वक्त हैं। ये मेन चीज़ है। और जो आपने बात करी कि फ़र्क क्या है, तो जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री रिकग्नाइज है UGC के तहत, हमारा भी है, तो हम बराबर हैं। एक असो प्रश्न येता की इग्नूची जी ॲडमिशन्स असतात, कारण तुमच्या महाविद्यालयात तुम्ही एक केंद्र ताजे चलयतात, तर ताजे जी ॲडमिशन्स असतात, ताजी घोषणा म्हणा किंवा ताजी अनाउन्समेंट केन्ना जाता, कारण तो एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असता। आता इग्नूचे ॲडमिशन दोन टाइम जाता, एक जानेवारीची बॅच असता आणि एक जुलैची बॅच असता। सो कोणाक जर चुकले जाता जुलैचे ॲडमिशन, जनरली आमचे जे गोयकार जे असतात ते एप्रिलान एग्जाम जाता, मे महिन्यान रिझल्ट येता, चडशे जुलैन करता। समजा कोणाक लेट झालो, किती झाले, जर ताका जानेवारीन ॲडमिशन करपाक मेळटा, आणि त्याचे पहिली दोन तीन महिने थ्रू आउट द इयर हो प्रोसेस चालू असता एक ॲडमिशनचे। आता स्टडी मटेरियल किती म्हणतात ते प्रोस्पेक्टस, आता ते सगळे पेपरचे बंद केले, ताका लागून आता सगळीं ऑनलायन ॲडमिशन करपाची। इवन इग्नो जर गुगलार जरी टायप मारले तुम्ही, जाल्यार इग्नोची वेबसाईट उघडटा आणि थंय पहिल्याच पेजीर थंय आपले ॲडमिशन करपाचे। आणि पहिले तुमचे जे किती हा ते बायोडाटा किती ते, मागीर प्रोसेस स्टार्ट जाता, खंयचो सब्जेक्ट चूज करपाचो, काय करपाचे, सगळे आता इग्नोच्या वेबसाईटीचेर उपलब्ध असा। कोणाक किती सांगपाची गरज ना, एकदम टायप केल्या पुरो, इवन मोबायलाचेर तुम्ही करपाक शकतात। म्हणजे तुम्ही म्हटले दोन फावटी ते वर्षातल्यान जाता, म्हणजे खंयचे तुम्ही चूज करू शकता आपल्या हाज्या प्रमाणे। ओके, तर साधारण हा जो अकॅडमिक शेड्यूल म्हणा किंवा मागे ताजो फुल प्रोसिजर साधारण कसो असता, म्हणजे किती असतं त्याची अकॅडमिकची अनाउन्समेंटची ॲडमिशन प्रोसिजर म्हणा किंवा तो जो असा ताजी मागे फुडली प्रक्रिया कशी किती असता? इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो है हेडक्वार्टर्स अनाउंस करता पहले। ओके, और जैसे सर ने बताया हमारे एडमिशन साल में दो बार होते हैं, जनवरी में जुलाई में। हेडक्वार्टर का एडवर्टाइजमेंट आता है, वेबसाइट पे हम डालते हैं, और फिर हर स्टेट में, हर स्टेट कैपिटल में एक इग्नू का रीजनल ऑफिस होता है, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। तो हर रीजनल सेंटर जो है अपना एडमिशन प्रक्रिया शुरू करता है, एडवर्टाइज करता है। और बहुत सारे लोग आके पूछ के जाते हैं कि कब शुरू हो रहा है, तो उनका हम फोन नंबर रख लेते हैं। और जब एडवर्टाइज होता है तो उनको बताते हैं कि आके एडमिशन कर लें। तो एडमिशन हमारा बेसिकली साल में दो बार होता है, कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज है जो सिर्फ साल में एक बार होता है। जैसे अगर आप हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, जो लोग न्यूट्रिशन पढ़ना चाहते हैं, MSc इन न्यूट्रिशन, उनका सिर्फ जुलाई में होता है। लेकिन अगर आप एक 6 महीने का कोर्स करना चाहते हैं इन फूड एंड न्यूट्रिशन, 6 महीने का, वो आप जो है जनवरी में भी ले सकते हैं, जुलाई में भी ले सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, हमारे जो सारे स्टडी सेंटर्स हैं हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, और हमारा एक RCA का वेबसाइट है, हर रीजनल सेंटर का एक वेबसाइट है, हम उसमें भी अनाउंस करते हैं। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सारे कोर्सेज इग्नू में हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं MA एंथ्रोपोलॉजी पढ़ूँ, तो वो गोवा में नहीं है, वो आप दिल्ली में कर सकते हैं। या हमारे कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट्स है इन बी कीपिंग, सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, तो सारे कोर्सेज इग्नू के आपको सारी जगह नहीं मिलेंगे। मेन चीज़ जो है जो BA BCOM है, जो MA MCOM है, वो तो मिल जाता है। और हेल्थ साइंस के भी, जैसे अब हमारे यहाँ गोवा में हेल्थ साइंस का कोई कोर्स नहीं है, उसके लिए आपको कहीं और लेना होता है, बट बाय एंड लार्ज एडमिशन जो है वो हम ही देखते हैं। तर आता सर आम्ही जेव्हा ॲडमिशन म्हणतात तर ताज्या खातीर किती मिनिमम एज किंवा अशी किती ताज्या खातीर असता, काय ताज्या खातीर किती स्टँडर्ड्स असतात? दर एकलो प्रोग्राम जो असा त्याका वेगवेगळे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असा। कोणाक 12 स्टँडर्ड मिनिमम, जनरली 12 स्टँडर्ड स्टार्ट जाता, जर तुमकां डिप्लोमा करपाक जाय, सर्टिफिकेट करपाक जाय, 12वी हो असा, आणि ग्रॅज्युएट करतलो जाल्यार 12वीत लागतं, म्हणजे BA BCOM BSc कितें इग्नोतल्यान करपाक जाता, आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट करतलो जाल्यार ग्रॅज्युएट जाय। सर असे जनरल क्रायटेरिया इग्नोची ठरलेली असतात। ओके, आणि आता बऱ्याच फावटी आम्ही असे दिसतात की रिटायर झालेले थोडे लोक असतात, आफ्टर रिटायरमेंट त्यांना तसे भरपूर त्यांच्याकडे वेळ असतो, आणि रिटायर झाले लोक चढ कोर्स करतात। हा, म्हणजे आमकां असे दिसतात की रिटायर झाल्यानंतर त्यांना दिसतं की अरे खूप वर्षा पहिले आपल्याला एक कोर्स करपाचं आशिल्लं, शिकपाचं आशिल्लं, तर त्यांच्या खातीर बी असे किती वेगळे कोर्सेस असतात, म्हणजे ते एनरोल करू शकतात सिनियर सिटिझन्स म्हणा, तशी किती मॅक्झिमम एज बी दवल्या लिमिट तशी असतात? मैक्सिमम एज नहीं होता, मिनिमम एज 18 साल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है।
तो कुछ कुछ ऐसे कोर्स है जिसके लिए हम एज प्रूफ मांगते हैं. ओके. जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन के बारे में. हाँ. उसके लिए हमको 12वीं पास या 10वीं पास नहीं देखना है. हाँ. सिर्फ आपको एज दिखाना है 18 साल का. ओके. तो 18 साल से कम एडमिशन किसी का नहीं होता है. हाँ. मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है. कुछ हमारे लोग ऐसे भी हैं जो 74-75 के हैं. और पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक सज्जन आए थे हमारे पास अपनी बेटी के पूछने के लिए. उन्होंने खुद एडमिशन ले लिया. अरे वाह. क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन है. Correct. और हमने अपने ऑफिस में कंप्यूटर रखा है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास नेट एक्सेस नहीं होता है. Okay. तो बैठे बैठे उन्होंने अपने जेब से अपना डेबिट कार्ड निकाला, अपना एज प्रूफ निकाला. Okay. तो देयर इज नो एज लिमिट. ओके. सो वेरी बहुत अच्छी बात है. खूब बरी गजल सांगली. आता महत्वाचो असो प्रश्न येता जेव्हा प्रवेश प्रक्रिया म्हटली की खंचे खंचे कोर्सेस इग्नूत आमका पळोवपाक मेळतात किंवा खंचे उपलब्ध असतात. एकंदरीत इग्नूत खंचे कितले कोर्सेस असतात? पूरे यूनिवर्सिटी में आपको करीब 250-300 तो होते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा था सारे आपको हर रीजनल सेंटर में नहीं मिलते हैं. क्योंकि क्यों नहीं मिलते वो इसलिए क्योंकि अगर हमको जब कोर्स यहाँ चलाना है तो हम ये देखेंगे कि ऐसा कॉलेज होना चाहिए नज़दीक में जिनकी फैकल्टी हमें अपना टाइम संडे को दे सके. क्योंकि हमारे क्लासेस संडे को ही लगते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूंगी जैसे एमएससी न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे. इट इज डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट. तो जो लोग हॉस्पिटल में डाइटिशियन का काम करना चाहते हैं, जो लोग डाइटिशियन का काम स्पा में करना चाहते हैं, या जो डाइटेटिक काउंसलिंग खुद करना चाहते हैं वो ये कोर्स करते हैं. हाँ. और आपको आश्चर्य होगा बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं. बहुत सारे. कम से कम पिछले जून जुलाई में हमारे पास 4 डॉक्टर्स ने एडमिशन लिया इस कोर्स के लिए. तो उसके लिए हमको फैकल्टी जो आती है वो आती है गोवा कॉलेज ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम साइंस. तो उनको राजी होना होता है. हाँ. कि हम आपकी फैकल्टी और हमारी कॉलेज के लेबोरेटरी आपको देंगे संडे को दिन. तभी वहाँ पे सेंटर बनता है. इसीलिए सारे कोर्स आपको सारी जगह नहीं मिलेंगे. गोवा में आपके करीब हमारे पास सारे एमए हैं, सारे बैचलर डिग्रीज हैं, सिवाय साइकोलॉजी के, सिवाय एंथ्रोपोलॉजी के. तो अभी गोवा में कौन कौन से कोर्सेस यूजुअली अवेलेबल हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा आपको बच्चे एडमिशन लेते हैं? बीकॉम हमारा बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे. Okay, हाँ. और बहुत सारे बीकॉम के इन्हीं फादर एग्नेल कॉलेज स्टडी सेंटर में जाते हैं. बीकॉम के आते हैं, बीए के आते हैं. और एमए इंग्लिश बहुत पॉपुलर है हमारा. हाँ. और करंटली क्या है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो सब करते हैं. अब उससे आसान एक हमारा आ गया है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस. ओके. वो भी बहुत पॉपुलर है. और गोवा क्योंकि जगह ऐसे जहाँ पे टूरिज्म बहुत ही प्रचलित है. तो सर्टिफिकेट में आप चाहें तो 6 मंथ्स के लिए आप कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 साल के लिए एक डिप्लोमा कर सकते हैं. कुछ हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 साल का टूरिज्म स्टडीज बीए कर लिया है और उसके बाद मास्टर डिग्री भी कर लिया है. तो टूरिज्म हमारा बहुत अच्छा चलता है. कॉमर्स चलता है. और जैसे मैंने कहा न्यूट्रिशन एंड ये फूड सर्विस डाइटेटिक्स मैनेजमेंट बहुत चलता है न्यूट्रिशन वाला. लाइब्रेरी साइंस है, कॉमर्स, एम कॉम, बी कॉम दोनों बहुत अच्छे चलते हैं. और मेन चीज क्योंकि इस वक्त हम ऐसे टाइम पे आए जब हमारा एडमिशन चल रहा है. इस वक्त हमारा एडमिशन जो हो रहा है वो है जनवरी 2020 सेशन के लिए. और इसके हम लोग फॉर्म्स ले रहे हैं इस महीने के आखिरी तक 31st तक. वो भी ऑनलाइन पर? वो भी ऑनलाइन पर. ऑनलाइन ऑफलाइन हम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं करते जो फॉर्म हमें सबमिट नहीं कर पाते हैं. मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि हमारा एक स्टडी सेंटर जो है वो कोलवाली जेल में भी है. तो ऑफलाइन फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए है. तो वहां से क्या होता है जो जेल सुपरिंटेंडेंट है वो उनके फॉर्म, उनके डॉक्यूमेंट, उनके फोटो हमको लाके देते हैं और हम उनका एडमिशन करते हैं. बाकी सारे हमारे ऑनलाइन हैं. लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नेट एक्सेस नहीं मिलता है. क्योंकि अगर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे तो उसका एक साइज होता है, इट शुड नॉट बी लेस देन 10 KB. तो उनके लिए हमने क्या कि हमारे ऑफिस में, मैं तो कहूंगी कि सब जने आके देख ले हमारे ऑफिस, हम खुद उनके लिए कर सकते हैं. एक कंप्यूटर हमने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखा है. तो वो लोग हमारे पास आते हैं, उनका एडमिशन हम कर देते हैं. प्रोसीजर सारा जो है ऑनलाइन है. अभी आपने कोलवाड़ी जेल का एक टॉपिक छेड़ा, तो अभी वहाँ के जो इनमेट्स हैं, प्रिजनर्स जो हैं, अगर उनका एग्जाम वगैरह कंडक्ट करना हो तो बाद में उनका एग्जाम आप कैसे कंडक्ट करते हैं? उनका एग्जाम हम कोलवाड़ी जेल में ही करते हैं. हमारा एग्जाम, जैसे एडमिशन हमने कहा था ना जनवरी में और जुलाई में होता है. हमारी जो परीक्षा होती है वो हर साल जून में और दिसंबर में होती है, पूरे महीने तक चलती है. तो उस पूरे महीने तक उनके क्वेश्चन पेपर वगैरह कोलवाली जेल में ही हम भेजते हैं. और जो जेल के अथॉरिटी से एग्जाम वही कंडक्ट करते हैं. और आंसर बॉक्स वही हमें ला के देते हैं. और बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे.
सर एक असो प्रश्न आसा की आतां खंयचोय एक अभ्यासक्रम म्हटलो की ताज्या खातीर एक मार्गदर्शन किंवां शिकवप हें आवश्यक आसता तर मागीर हे जे कोर्स आमी आतां ओपन युनिवर्सिटीचे करतात तेन्ना मागीर ताज्या खातीर कोचिंग हें कशें तुमी ताज्या खातीर दितात म्हणजे थोड्याक कशें थियरी प्रॅक्टिकल अशे वेगवेगळे ताजे आस्पेक्ट आसतात म्हणटकूच तें कोचिंग कशें दितात रिजनल सेंटरान एक फावट एडमिशन जालें हय काय ते लिस्ट आमकां स्टडी सेंटराक धाडटा ओके स्टडी सेंटराक धाडले काय ते भुरग्यांचे प्रोग्रेस कसो करप हें आमचें काम तेच्या खातीर रिकग्नायज ट्रान्स आमचे काउन्सिलर असतात ते जनरली कॉलेजीन जे शिकयता ते टीचर असतात म्हणजे त्यांना अनुभव असतात शिकवपाचो आणि आयतारचेच आम्ही क्लासी दौरतात जनरली सकाळचे 9 ते 1 किंवा सांचे असपाक शकता डिपेंड अपन स्टुडंट कसे किती येतात ते जनरली आयतारचे दौरतात आता जनरली कॉलेजीन जसे रेग्युलर शिकयता दर क्लास असता तसे इग्नोर जायना आम्ही त्याला काउन्सिलिंग म्हणतात म्हणजे स्टुडंटांनी पहिली प्रिपेअर करून येऊ बुक वाचून येऊ आणि आपली डिफिकल्टी विचारप पण जनरली असे जायना त्या लागून चढशे बेसिक किती जे असं ते शिकवचे पडतं आणि जनरली एक सब्जेक्ट असा 1-2-3 आयतारान आम्ही सोपयता जर 4 कोर्स असले जाल्यार तसे 1-2-3 महिन्याचा पिरियड टू म्हणजे सबन वर्षभर असे शिकयता असे ना म्हणजे एक दफा टी ऍडमिशन घेतले फॉर एक्झाम्पल जानेवारी 2020 बॅच त्याचे काउन्सिलिंग जे असं जे फेब्रुवारी मार्चान सुरू जातले आणि जनरली एप्रिलान सोपतले त्यानंतर त्यांना एक्झाम फेस करपाक आता इमिजिएट एक्झाम जे असतात जून असतं किंवा मागीर असतं आणि हे सगळे झाल्या उपरांत त्यांना असायनमेंट पार्ट म्हणून एक असतं त्याला एक 30% मार्क वेटेज असतं ते सगळे स्टडी सेंटरान हाडून दिवप ते ऑनलाईन असायनमेंट जे असं अपलोड केलेले असतात ते सॉल्व करप स्टडी सेंटरान काउन्सिलिंग झाले उपरांत बाकीचे जे स्टुडंट असा त्यांची हेल्प जाता तू किती करता हे करता आता वेगवेगळे जे ग्रुप असा व्हॉट्सअप ग्रुप असा हे कर सगळे इन्फॉर्मेशन सांगपाची गरज ना स्टुडंटांना समजा कोणी अपलोड करूंक ना दुसरो त्याला सांगता अरे तो असा मरे अपलोड केलो वयर म्हणजे स्टुडंटांना त्याची बरी हेल्प जाता आणि आम्ही जे असा स्टडी सेंटर ॲज अ कॉर्डिनेटर त्यांना हेल्प करता मार्गदर्शन करता कोणाक जर किती समजा कळना इवन जर काउन्सिलर उपलब्ध ना जाल्यार काय सब्जेक्ट आमकां जे कळटात ते आम्ही त्यांना सांगू शकतात मागीर कशी स्टडी करप कसे असाइनमेंट भरप हे बेसिक जे असा ते आम्ही त्यांना सांगतात ओके आता तुम्ही म्हटले की हे सगळे कोचिंग त्यांना शिक्षक देतात पण मागीर जे अभ्यास मटेरियल असा स्टडी मटेरियल ते भुरग्यांना कसे मिळता आणि ते त्यांच्या खातीर कसे उपलब्ध केले होता जब हम स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं जो भी विद्यार्थी अपना फीस जमा करता है उसी फीस में से उसका जो है बुक्स मिलता है हम उसको कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्टडी मटेरियल एक बार उसने अगर जमा कर दिया फीस तो उसमें उसको उसकी सारी किताबें मिल जाती हैं उसके बाद कुछ अलग से खरीदना नहीं होता है हम लोग कहते हैं कि आप चाहें तो लाइब्रेरी में जा सकते हैं आप चाहें तो जर्नल्स पढ़ सकते हैं बट असाइनमेंट के जो भी प्रश्न है या परीक्षा के जो भी प्रश्न है वो उन्हीं किताबों में से आते हैं जो हम देते हैं तो उनको अलग से कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना होता है और क्योंकि आप फीस की और वो बात कर रहे हैं कि बुक्स कहाँ से आएंगे तो एक मेन चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी विद्यार्थी हमारा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से हैं उनके लिए फीस नहीं लगता फीस वेवर है सिर्फ हम कहेंगे कि अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा दें तो फिर वो पूरी अपनी 3 साल का बीए जो है फी वेवर के साथ पढ़ सकते हैं और ये जो स्टडी मटेरियल होता है ये जो बुक्स होती हैं क्या वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं मान लो अगर बुक्स प्रिंटेड बुक्स अगर आने में थोड़ी सी देर हो गई तो क्या वो ऑनलाइन भी उपलब्ध होती हैं क्योंकि आजकल बहुत बच्चे वैसे भी पढ़ना चाहते हैं अच्छा कहा आपने क्योंकि हमारी जो भी किताबें हैं हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है वही चीज अगर आप यूनो का वेबसाइट खोलेंगे तो हमारा ई ज्ञान कोश करके एक लिंक है उसमें आप वही चीज पढ़ सकते हैं तो अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और किताब आपकी आई नहीं है पोस्ट में देर होगी तो आप अपना नेट खोल के जो है ई ज्ञान कोश में ये पढ़ सकते हैं सर आता एक असो एक प्रश्न येता की जायते फावटी आमकां भुरग्यांक एक खंयचो तरी एक विशिश्ट कोर्स केल्या नंतर एक ताणें ग्रॅज्युएशन केल्लें आसता ताका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाचें आसा पूण ताका तो विशय नाका ताका दुसरें कितें तरी करपाचें आसता तर अशा वेळार तुमचे कडेन थंय ताका सजेस्ट करपाक म्हणा किंवां काउन्सिलींग ताचें करपाक अशें कितें तुमचे कडेन तशी सुविधा आसा किंवां म्हणजे ताका सजेस्ट करपाक की बाबा रिक्वायरमेंट आतां भायर मार्केटांत अशी आसा त्या प्रमाणे तूं हें कर तें कर अशें सजेस्ट करपाक प्रश्न बरो आसा जनरली आमी जे गोंयकार जे आसा ते जनरली ग्रॅज्युएट झाल्या उपरांत फुडले कोर्स करपाक बरोबर पण त्यांना खबर ना पर इग्नोन हे सगळे कोर्स तुम्ही 12वी झाल्या उपरांत फर्स्ट इयराक ॲडमिशन घेतल्या उपरांतच करू शकतात आणि जो मी 3 वर्षां लागतात तुमकां ग्रॅज्युएट जावपाक त्या 3 वर्सां भितर तुमचे 5-6 कोर्स डिप्लोमा कोर्स किंवा सर्टिफिकेट कोर्स एडिशनल कोर्स म्हणून
करपाक शकता. आनी जेन्ना तुमी इंटरव्यू वयता ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत तर तुमचे कडेन आनी कितें आसा. बरोबर. ग्रॅज्युएशना शिवाय कसले तुमचे स्किल बेस्ड कोर्स आसा ते जर तुमी पयलींच स्टार्ट केले जाल्यार ते स्टुडंटांक बरें पडटा. आनी जनरली आमी जेन्ना कॉलेजीन वयता तेंकां आमी कावन्सिलींग करता, बाबा हे इग्नोचे कोर्सीस आसा तुमी आतांच करा आनी फुडले पयलींची जी हिस्ट्री आसा भुरग्यांची ती सांगता, मागीर येता ते आतां केल्ले बरें. आनी आतां स्टुडंट ह्या भायर जाल्या एक जो कोण इग्नोतल्यान कोर्स करता तो एक कोर्स करून थांबना, तो दुसरे दुसरे कोर्स पळोवपाक करूंक सोदता. तर आतां एक म्हत्वाचो असो प्रश्न येता की जेन्ना आमी ॲडमिशन घेतात तेन्ना आमचे कडेन कितें कितें आवश्यक जाय पडटा, म्हणजे खंयचोय कोर्स करतलो जी कागदपत्रां म्हणा किंवा डॉक्युमेंट्स अशे बेसीक थोड्यो ज्यो गोष्टी लागतात ते आमकां कितें जाय पडटा. सबसे पहले तो हमें 10वीं पास का सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि उसमें हम उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे और उनका नाम स्पेलिंग खास कर. ओके. उसके बाद हम 12वीं का सर्टिफिकेट मांगते हैं. ओके. और अगर उनका फी वेवर है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट. ओके. हाँ. और अगर वो नहीं है तो 12वीं ये बैचलर्स डिग्री अगर मास्टर के लिए ले रहे हैं ये चीज चाहिए. और अच्छा आपने पूछा डॉक्यूमेंट के बारे में क्योंकि पहले कुछ कुछ कोर्सेज हमारे थे जिनके लिए हम एक्सपीरियंस मांगते थे. ओके. जैसे कि आप खुद हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, हमारे जो पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है एक टाइम पे ऐसे था कि जब तक आप 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं दिखाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन अब हमने वो वेव कर दिया है. okay. तो जो भी हमारा नॉर्मल डिग्री स्टूडेंट है जो okay. चाहता है कि मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ सकूं, वो अभी हमारे साथ दाखिला ले सकते हैं बगैर एक्सपीरियंस के. तो एक्सपीरियंस सिर्फ एक दो चीज के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं, अभी वो भी माना हो गया. जैसे पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब उसके लिए भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. डायरेक्ट अपना डिग्री सर्टिफिकेट दिखाइए, 10वीं 12वीं डिग्री सर्टिफिकेट और एडमिशन आपको हो सकता है. ओके. तो ये चीज है. और क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन है तो आपको अपने साथ अपना बैंक का कार्ड जरूर लाना पड़ेगा. ओके. और एक फोटोग्राफ. ओके. और सिग्नेचर. हाँ. तो जो लोग खुद अपने फोन से कर सकते हैं वो कर लें, नहीं तो हमारे पास आ जाएं, हमारे ऑफिस में हम उनका करके दे देते हैं. ओके. क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है हमारा समर्थ. हाँ. उसमें उनको लॉग इन करके करना होता है. ओके. आतां सर एक असो प्रश्न येता की जायते फावटी आतां खूब कोर्सीस तुमचे इग्नूचे आसात तेतून, पूण एखादो कोर्स समजा म्हज्या राज्यांत हांगा ना पूण म्हाका तो करपाचो आसा जाल्यार तो हांगा म्हाका कशे तरेन मेळूं येता, म्हणजे ताजे खातीर वेगळी तशी कितें वेवस्था करप शक्य जाता. जर ते ह्या स्टडी सेंटराक ना, गोंयान ऑल ना, जाल्यार तुमी भायर एनरोल करूं शकता. सपोज तुमकां जर खंय पुणे वचपाचें आसा. ओके. पुणे तुमी स्टुडंट थंयसले जातले. हां. ते स्टडी सेंटर तुमकां चूज करचे पडटले. बरें. आनी तुमचे जे कितें एसायनमेंट जे आसा ते थंय धाडून दिवचे पडटले. कित्याक इग्नोचे क्लासीस आसा ते कंपलसरी ना, थंय वचपाची तुमकां खरें तर गरज ना. पण एग्जाम तुमी गोंयांत दिवंक शकता. ओके. एग्जाम ती फेसिलिटी आसा, मागीर भारतांत खंयी तुमी एग्जाम दिवंक शकता. जरी तुमी वेकेशनार गेले किंवां ट्रान्सफर जाली. ओके. जाल्यार तुमी हांगासरतले स्टुडंट आसा म्हणून हांगाच घेवप अशें ताका मर्यादा ना. एग्जाम खंय दियात. ओके. फक्त स्टडी सेंटर तुमचे जे चूज केला तेच उरतले. म्हणजे फक्त स्टडी सेंटराक ते नावापुरते फॉर्मेलिटी थंय आसता पण एग्जाम ह्या पे देसर. आता तुम्ही म्हटले की ऑनलाईन ॲप्लिकेशन एकदा भरले की ताज्या नंतर मागीर प्रत्यक्ष ऑफिसात येऊपाची बी गरज पडता काय किती असा, म्हणजे हॅज द कॅन्डिडेट नीड टू बी अपियर इन द ऑफिस फॉर फिजिकली सबमिटिंग समथिंग, कुछ देना पड़ता है उसको. क्योंकि ऑनलाईन ॲडमिशन है. हां. तो सब कुछ ऑनलाइन ही कर ले. अब इसमें ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्योंकि आपने पूछा है, कई कई लोग जब अपलोड करते हैं तो उसका हम डेट ऑफ बर्थ ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं. ओके. उसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है. हाँ. यह हो सकता है उसका नाम क्लियर नहीं आ रहा है. ओके. तो ऐसे लोग को हम डिस्क्रिपेंसी में डालते हैं, उनको हम फोन करके बुला लेते हैं. ओके. उनको खुद आना होता है. आपको थोड़ा सा बीच में टोकूंगा. दीपा नाईक हमसे कॉल आयो आसा दिवचल चान अभी कॉल ले लेंगे. हेलो हेलो हॅलो. हां हॅलो विचारात. हां हांवें न्ही फर्स्ट इयर हा कॉलेजींतन ॲडमिशन घेतलेले. फर्स्ट इयर जाल्या उपरांत 2 वर्सां हांवें ब्रेक घेतलो. ओके. आनी ताच्या मागीर म्हणजे आतां सद्या म्हाका परत कंटिन्यू करपाक जाय. सो इग्नोन समज हांवें ॲडमिशन घेतलें जाल्यार म्हाका फर्स्ट इयरांतल्यान स्टार्ट करचें पडटलें की सेकंड इयराक ॲडमिशन मेळूं शकता. तुमचो कोर्स खंयचो आशिल्लो? BA. हां. उन्होंने फर्स्ट इयर BA में ॲडमिशन लिया था, अभी 2 साल का गॅप है, तो अभी क्या वो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ओके. दीपा नायक आप बिल्कुल कर सकते हैं. okay. क्योंकि जो बीए में एडमिशन लेता है उसका वैलिडिटी हम रखते हैं 6 साल. ओके. okay. इग्नू की खास बात यही है, बाकी जगह आप डिग्री बोलेंगे 3 साल, हम लोग उसको 6 साल टाइम देते हैं. ओके. okay. फी स्ट्रक्चर वही रहेगा. तो 6 साल के अंदर वो अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं. okay. और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो 6 साल में भी किसी कारण की वजह से पूरा नहीं होता है. हाँ.
उन लोगों को हम कहते हैं कि जो जो आपका सब्जेक्ट छूट गया है, उसको सब्जेक्ट को हम लोग कोर्स बोलते हैं। ओके, तो जो भी आपका सब्जेक्ट छूट गया है आप केवल उसके लिए फीस दे देंगे, प्रोरेटा फी। ओके, और फिर आपको 2 साल और मिलते हैं। ओके, दैट मींस एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम को हम 3+3+2 इयर्स देते हैं, यानी 8 साल तक। 8 साल तक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आम्ही म्हणू शकता की रिलॅक्सेशन खूप या कोर्सा भीतर विद्यार्थ्यांक मिळता, वर्षा मिळता, किती प्रॉब्लेम झाले आणि किती एक्झाम देऊ शकले ना झाल्या 6 वर्षा मरेन ना 3 वर्षा भीतर ग्रॅज्युएट जाऊ शकता। म्हाका दिसता त्याचा प्रश्न जो असा त्याने वेगळ्या कॉलेजीन गेला की तेगेन, म्हाका दिसता ताणें हांगाच इग्नूतूच भोवतेक केला असलो, तांचो गॅप 2 वर्सांचो आशिल्लो, ताका लागून जर ताणें वेगळ्या दुसऱ्या कॉलेजीन केला, गोवा युनिवर्सिटीतल्यान केला, केळ्ळें जाल्यार ताका इग्नूतल्यान फर्स्ट इयरात घेऊचे पडटले। ओके ओके ओके। आता दुसरी गोष्ट की साधारणपणे ह्या सगळ्या जे कोर्सेस असतात त्यांची साधारण फी स्ट्रक्चर म्हणा किंवा त्याच्या खातीरची अमाऊंट असता ती साधारणपणे कशी असतं, म्हणजे त्याची साधारण एक रेंज म्हणा किंवा मिनिमम कितली फी त्याच्या खातीर असतात। फी स्ट्रक्चर, हाउ इज द फी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा अगर ST ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो चाहे वो सर्टिफिकेट करे जो 6 महीने का होता है या 1 साल का डिप्लोमा होता है या 3 साल का BA होता है, उनके लिए फी वेवर है। ओके, फी वेवर मास्टर डिग्री के लिए नहीं है। हाँ, और बाकी क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग पढ़ रहे हैं हमारे पास जो कॉलेज नहीं जा सके, तो फीस हमारा बहुत ही रीजनेबल रहता है। ओके, जैसे अगर आप BA में एडमिशन पूछेंगे तो 2900 तक हो जाता है एक साल में। ओके, उसमें आपको किताबें भी मिलते हैं, तो अलग से कुछ खर्चा नहीं होता है। ओके, सिर्फ यह है कि जब आप एग्जामिनेशन लिखेंगे, जब परीक्षा लिखेंगे, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको जो है पैसे भरने होते हैं। okay. क्योंकि वो भी आपकी मर्जी। हाँ. अगर आपने 6 सब्जेक्ट ले लिए हाँ. और परीक्षा में आपने सिर्फ 4 की पढ़ाई की है, तो आप सिर्फ 4 की फीस भर के एग्जाम कर ले। okay. बाकी 2 सब्जेक्ट जो आपके बचते हैं आपको फिर टाइम है वो पूरा करने के लिए। okay. जैसे अभी जिस कॉलर का फोन था अभी दीपा नायक, उन्होंने अगर हमारे साथ BA में 2 साल पहले एडमिशन लिया तो उनको उस टाइम से 6 साल मिलेंगे पूरा करने के लिए, तो फीस हमारा अफोर्डेबल ही रहता है। इसीलिए यानी जो कोर्स भी है उसका स्टडी और एग्जाम देने का सब उसमें रिलैक्सेशन उनको मिलता है। हाँ, रिलैक्सेशन मिलता है। एक असो प्रश्न येता की आता आम्ही ऑनलाइन फॉर्म भरलो, सगळे प्रोसिजर केली, फी पेमेंट केली, पण माझे ऍडमिशन कन्फर्म झाला हे मला केव्हा कळतले, व्हाट इज द प्रोसिजर फॉर दॅट? क्योंकि ऑनलाइन ऍडमिशन है हाँ, तो अप्रूवल जो है वो हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली से होता है। ओके, अगर किसी का फॉर्म में कुछ चीज लगता है कि ठीक नहीं है, जैसे मैंने कहा अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है। okay. या उसका एड्रेस पढ़ा नहीं जा रहा है हाँ. तो उसको हम डिस्क्रिपेंसी में डाल के हम ऐसे विद्यार्थी को हम फोन करके बुला लेते हैं ऑफिस में कि करेक्ट डॉक्यूमेंट दिखाइए ताकि हम ठीक कर सकें। okay. उनका जब होता है अप्रूवल हेडक्वार्टर से ही होता है फिर उनको एक ईमेल जाएगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन चल रहा है Correct. तो उनको ईमेल में कन्फर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमारे विद्यार्थी हमारे बच्चे हैं, करेक्ट, कल को मैं उनको मिलने वाली हूँ, तो हमारे ऑफिस से उनके पास एक लेटर जाता है। ओके, सो डबल, लेकिन उनको अच्छा लगता है Correct. कि चलो जिस ऑफिस में हमको जिससे हमारा नाता है Correct. तो हम एक लेटर भेजते हैं कि आपका ये स्टडी सेंटर है, आपका ये रोल नंबर, आपको हाँ एक से पहले दो ये सब्जेक्ट है। ओके, ते झाले उपरांत हाय हेडक्वार्टर ना वेतच रिजनल सेंटर आपण आम्ही त्यांची नाव आमच्या स्टडी सेंटराकडे येतात। ओके, आणि आम्ही त्यांचे टाइम टेबल करता केन्ना काउन्सिलिंग असा केन्ना येऊन मिळपाचे आमचा ऍड्रेस देता कसे किती करत ते सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन घालून टाइम टेबल करून भुरग्यांक धाडटा आणि त्यांना लेटर कसे मिळतात आणि ते पळल्या उपरांत भुरगे मागीर स्टडी सेंटरात कॉन्टॅक्ट करपाक लागतात। ओके, आता जेव्हा हे सगळे आम्ही प्रोसिजर करतात आणि आमचा एक अभ्यासक्रम आम्ही शिकत असतात आपल्या आपण म्हणा किंवा स्टडी सेंटरात वचून, त्याच्यानंतर परीक्षा असतात, तर ते परीक्षा कशा पद्धतीन कंडक्ट करतात तुम्ही, म्हणजे रेग्युलर परीक्षा असतात तशोच काय ताजो किती वेगळो प्रोसिजर भी असता? परीक्षा हमारा साल में 2 साल बाद 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। ओके, अभी हम मार्च में जो है अपना लिंक खोल देते हैं, जिन जिन को जून में एग्जाम लिखना है वो ऑनलाइन हमें फॉर्म सबमिट करके देंगे। okay. जैसे मैंने कहा था सिवाय लोग वो लोग जो जेल में हैं हाँ. उनका फॉर्म जो है ऑफलाइन हम लेते हैं। ओके, तो ऑनलाइन जब आप फॉर्म खोलेंगे एग्जाम के लिए उसमें जैसे कि हमारे सर ने ऑलरेडी बताया है मर्जी आपकी है, आप कहीं पर भी एग्जाम लिख सकते हैं। थ्योरी हो सकता है कि आप स्टूडेंट गोवा के हैं लेकिन आपको लगता है कि जून में आप हॉलीडे के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप वहीं पर लिख लीजिए। ओके, मर्जी आपकी। लेकिन प्रैक्टिकल आप कहीं नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट और बाहर नहीं कर सकते, असाइनमेंट और बाहर नहीं कर सकते, थ्योरी एग्जाम ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले चूज कर ले कि मुझे एग्जाम कहाँ पे लिखना है और कितने सब्जेक्ट्स के लिखना है। ओके, उस हिसाब से आप पे करेंगे
और फॉर्म जो है जमा कर देते हैं, फिर आपको है हॉल टिकट आपको जो है ऑनलाइन आता है, हम कोई हॉल टिकट पोस्ट नहीं करते हैं। तो एग्जाम शुरू होने से पहले सारे स्टूडेंट्स का डेटा निकाल के हम जो जो एग्जाम सेंटर है, जैसे फादर एग्नेल है यहाँ पे या दामोदर है या डेम्पे कॉलेज है, ये सारे हमारे जो है अध्ययन केंद्र है और परीक्षा केंद्र भी हैं। तो उनको हम डेटा दे देते कि इतने सारे जने आपके पास ये एग्जाम लिखने वाले हैं। और परीक्षा जो है वो पूरा जून का महीना चलता है, पूरा दिसंबर का महीना चलता है, सुबह शाम। जर एग्जाम जूनाचे एग्जाम करपाचे असा कोण, जनरली तीन महिने प्रोसेस चालतात बरोबर, आता जूनाची एग्जाम करतलो जाल्यार 31 मार्च जे असा त्याच्या पहिली जे आपले एनरोलमेंट करप आपण एग्जामिंग बसतलो त्याची 120 रुपीज पर पेपर इतकी तितली फी असा ती भरची पडता। आणि केन्ना केन्ना डेडलाईन वाढयता किंवा लेट फी असतात, म्हणजे साधारण एप्रिलच्या पहिली ते सगळे प्रोसेस करपा जाय। आणि मागीर त्याचे मागीर लिस्ट येतं आणि एग्जाम सेंटर आपण खंयचे चूज करपाचे ते सगळे ऑप्शन येले असतात आणि तसे करपाक जाता। मागीर साधारण 2 महिने पहिली सगळे प्रोसेस केल्या उपरांत तुम्ही एग्जाम करपा शकता आणि त्याका लागून वेगळी फी भरपाक जाय, त्या फीन ते जायना। ओके, लेट फी नाही होता, लेट फी नाही होता, वो हेडक्वार्टर की मर्जी। ओके, युजली नाही होता। आता आम्ही म्हटलं की एक्झाम थिअरी एक्झाम जी असा ती बाहेर आम्ही खंय दुसरीकडे देऊ शकतात, तर तशी जर दितलो जाल्यार ताज्या खातीर प्लॅन करपाक साधारण एक्झामीचे टाइम टेबल किंवा शेड्यूल हे कितले पहिली भुरग्यांक कळटा? मार्च में जैसे ही हमारा लिंक खुल जाता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, डेट शीट भी हमारा ऑनलाइन होता है। ओके, तो आप तभी चूज कर सकते हैं जून 16 को मैं कहाँ पे होने वाला हूँ और मैं वहीं पे चूज कर लूँ। और जो जो जॉब में है उनको अपने ऑफिस में छुट्टी भी लगानी पड़ती है, तो उस हिसाब से इसीलिए हमारा डेट शीट जैसे ही लिंक हमारा खुलता है डेट शीट पे आ जाते हैं। तो मार्च में हमारा डेट शीट लग जाता है इग्नो वेबसाइट पे। ओके, जनरली जैसा इग्नो चे एकदम फर्स्ट जून स्टार्ट होता, 1 डिसेंबर स्टार्ट होता, आणि 4-5 महिने ते पहिलीच अपलोड केले असतं। मग तुमका प्लॅन करून केन्ना पेपर दिवपाचो, बाबा या टाइमार मला ऑलरेडी मिटली काय ना, ते सगळं हिशोब धरून ते एग्जाम फॉर्म भरप असतं। ओके, एक असो प्रश्न येता की जायते फावटी भुरग्यांक वेगवेगळ्या विषयात आवड असता, म्हणजे समजा आर्ट्स असत, हिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, पॉलिटिकल सायन्स, असे लागी लागीचे जे विषय असतात त्या सगळ्यां भितर, तर असे 3-4 विषयांची समजा आवड एखाद्या भुरग्याक असत जाल्यार एकाच वेळार 2-3 विषयात सायमल्टेनियस कोर्स तो करू शकता काय, एका वेळार एकूच करपाक मेळटा? सायमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन तो नाही कर सकते। हां, लेकिन अगर आपने बीए में एडमिशन ले लिया या आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया, उसके साथ आप एक 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट हमारे हैं, अगर समझ लीजिए आप बीएससी उसने केमिस्ट्री में ले लिया, हमारे पास एक 6 महीने का कोर्स है लेबोरेटरी टेक्निक्स, जो उनके लिए फायदेमंद रहता है, तो ये उसके साथ कर सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि उसका एग्जाम 6 महीने में होगा, बीएससी का फर्स्ट ईयर का एग्जाम पूरे 1 साल बाद होगा। तो अगर हमारे अभी जो विद्यार्थी आ रहे हैं जनवरी 2020 में जो आ रहे हैं, इनकी परीक्षा लगेगी इस साल दिसंबर में। लेकिन अगर उसने ये लेबोरेटरी टेक्निक्स का ले लिया, वो परीक्षा होगी जून में, तो क्लैश नहीं होगा। ओके, एक महत्वाचा प्रश्न सर असो येता की जायते फावटी खंयच्या आम्ही कोर्सा खातीर गेले, खंयचो अभ्यासक्रम आम्ही सुरू करपाक घेतलो, की ताजे म्हाका जें कितें सर्टिफिकेट किंवा जी कितें डिग्री मेळटली ती खरीच वॅलिड आसा काय ना, हो एक प्रश्न, कारण हाली फेक संस्था म्हणा, फेक युनिवर्सिटी हाचे प्रमाण खूप वाढिल्ले आमकां दिसता, तर अशा वेळार इग्नूच्या बाबतींत तुम्ही कितें सांगतले? इग्नो हे आमचे भारताचे पार्लमेंट जे असा, त्यांनी ॲक्ट करून इग्नोची स्थापना केली असा, म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे तुम्ही खंयच कोणीच तुमकां विचारू शकना की गव्हर्नमेंटाचे इन्स्टिट्यूशन ते, मागीर इग्नोचे जे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, जे जितले कोर्स आसा ते वॅलिड आसा, आणि त्याच्या खातीर तुमकां खंय एम्प्लॉयमेंट मेळूंक शकता, मागीर तो क्वेश्चन मार्क जो आसा किंवा जे बोगस कितें जे चल्लां बरोबर, तो कोणच प्रश्न तसो विचारूं शकना। आणि जरी आम्ही आता म्हणटा इग्नो म्हणजे कितें करस्पॉन्डन किंवा एक्सटर्नल वेगवेगळे शब्द वापरता, आम्ही त्याका डिस्टंट एज्युकेशन म्हणटा, तसेच जायते फेक युनिव्हर्सिटी ताका इल्ले असा पैसे घेतात, डिग्री देतात, पण इग्नोन ऍडमिशन घ्याव सामके सोपे, पण जे पास जावपाक तितले सोपे नाही। जर तुम्ही ती बुकां वाचनात आणि कितें करात बरोबरच, जाल्यार तुम्ही पास जावचे ना, तितले सिरियसनेस आपले कडेन आसपाक जाय, बुकां वाचपाक जाय, काउन्सिलिंग शेड्यूल जे आसा। आमचे कडेन एक आणि एक कॉलर आयिल्ले आसा, काशिनाथ नागेशकर नागेशीच्यान कॉल केला, नमस्कार। नमस्कार, काय तांत्रिक कारणाक लागून फोन डिस्कनेक्ट झाला। परत मैं एक चीज और बोलूंगी कि अगर आपको लगता है डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं, रिकॉग्नाइज तो है क्योंकि हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं आप मुझे प्रूव कीजिए, तो मैं कहूंगी कि आप यूजीसी का वेबसाइट खोल लीजिए, उसमें फेक यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखे होते हैं. ओके, तो वो वाले इसमें चेक कर सकते हैं. हां, वी आर एट पार. करेक्ट. आता सर एक असो प्रश्न येता की आमच्या देशातल्या भुरग्यां खातीर तर झाले, पण समजा कोण विदेशात समजा रावता असत जाल्यार विदेशातल्या भुरग्यां खातीर इग्नूतल्यान कोर्सेस करप भी शक्य असा. फॉरेन नॅशनल्स, फॉरेन नॅशनल्स हैं, उनका एडमिशन किसी भी रीजनल सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए एक अलग डिविजन खोला हुआ है हेडक्वार्टर में. ओके, तो उनको अपना पासपोर्ट के साथ साथ उनको वीजा वैलिडिटी दिखाना होता है. ओके, जैसे अगर मैंने 6 महीने का कोर्स करना है तो 6 महीने तक मेरा वीजा वैलिड होना चाहिए. ओके, और उनकी फीस जो है वो अलग लगती है. ओके, उसका भी अलग अलग है. जो सार्क कंट्रीज के हैं उनका फीस अलग है, जो नॉन सार्क है उनका अलग है. ओके, और एडमिशन हम लोग नहीं करते हैं, तो उनका प्रोसीजर क्या है. हाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे पास एक पोर्चुगल से एक विद्यार्थी. हाँ, तो अपना पासपोर्ट वीजा नॉन सार्क कंट्री का फीस सारा जमा करेगी हेडक्वार्टर में. ओके, फिर वो लोग एक्सेप्ट करके उसका डेटा हमारे पास आता है. ओके, फिर उसको हम अपने गोवा के कॉलेज में बिठा लेंगे स्टडी सेंटर में. हाँ, लेकिन उसका फीस और एडमिशन जो है वो दिल्ली में होगा हेडक्वार्टर्स में. ओके ओके, तो ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं उसमें एनआरआई वगैरह सब इंक्लूडेड होते हैं? सब होते हैं. ओके, एक असो प्रश्न येता की वेगवेगळ्या कोर्सां खातीर इंटर्नशिप भी हो जो प्रकार असता तो इग्नूत भुरग्यांक उपलब्ध असता, इंटर्नशिप का कोई ऑप्शन रहता है क्या, इंडस्ट्री ट्रेनिंग या फिर ऐसे कुछ करने के लिए? इंटर्नशिप हमारे कुछ कोर्सेज में पहले से है, जैसे हाँ, जो भी डाइटिशियन बनना चाहते हैं उनका इंटर्नशिप होता है, तो उनको हम लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं ताकि वो जहाँ जहाँ जाके दिखा सके इंटर्नशिप के लिए वो हो जाता है. ओके, बट हमारे बहुत सारे कोर्सेज में इंटर्नशिप नहीं है. हाँ, कुछ कुछ में ही है, और जो है वो कई गोवा में भी नहीं है. हाँ, इंटर्नशिप एक तुमका एक बड़े सांगोनशे दिसता हमारा लाइब्रेरी साइंस तो जायते विषय यूनिवर्सिटी शिकायता इग्नूक शिकायता आमच्या थंय लाइब्रेरी सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस असा. आणि जेव्हा तुम्ही 6 महिन्याचा जर कोर्स करता किंवा एका टायमार तो पास जावप सोपे न्हय, त्यांना भुरग्यांक हांव सदांच एडवायस करता तुम्ही शिका. जर तुमकां जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आता आमच्या कॉलेजीन तुमकां जर काम करपाचें आसा, आम्ही तुमकां एक पयसो दिवचो ना, पण तुमकां इंटर्नशीप करपाक 1 महिन्याचो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आम्ही तांकां देऊ शकतात. अशे जायते भुरगे कॉलेजींनी वयता, दुसऱ्या थंय काम करता, मग तांकां तो अनुभव मेळटा आणि फर्स्ट टाइम पास जावंक शकता. बरोबर. एक आता चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही जो नवो प्रकार जो आयिल्लो आसा, तर तो इग्नूत आमकां कशे तरेन पळोवपाक मेळटा, म्हणजे आपल्या आवडीचे विशय घेवपाची एक जी रिलॅक्सेशन म्हणा चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. हाउ इज यू इग्नू चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इग्नू में हमने पहली बार शुरू किया है जुलाई 2019 में. ओके, और इसमें जो है पढ़ाई जो होती है वो सेमेस्टर बेस में होती है, फीस हम एक साथ लेते हैं. जिन्होंने भी विद्यार्थी एडमिशन लिया है जुलाई में उन्होंने दोनों सेमेस्टर के फीस एक साथ दिए हैं, और उनका भी एग्जाम होने वाला है जून में. ओके, तो हर सेमेस्टर के कोर्स वो चूज कर लेते हैं, और अब क्योंकि ये चॉइस बेस्ड है तो उनको पहले से ही डिसाइड करना है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है या सोशियोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि उसको दो डिसिप्लिन तो लेना ही है. अगर मैंने पहले साल में इकोनॉमिक्स के साथ इंग्लिश ले लिया तो मुझे अपना दूसरा वर्ष और तीसरे वर्ष में भी यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं. ओके, पहले कैसे होता था, जो लोग मान लीजिए उसने इकोनॉमिक्स ले लिया, उसको 2 महीने बाद इकोनॉमिक्स लगा कि इससे बेटर तो पॉलिटिकल साइंस था. ओके, तो वो पेमेंट करके जो है अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता था, लेकिन अब वो नहीं होता. ओके, और अब चॉइस बेस में जो है उनके जो पूरे सब्जेक्ट्स का वेटेज ले लें, क्योंकि इग्नू में हमारा चलता है क्रेडिट बेस्ड, 1 क्रेडिट मतलब 30 घंटा पढ़ाई. तो पहले हमारा होता था 98 क्रेडिट्स. ओके, अब क्योंकि चॉइस बेस लगा है तो बीए डिग्री के लिए आपको हो गए 132 क्रेडिट्स. अरे ओके, तर एक सर असो प्रश्न येता की आता हे सगळे कोर्सेस भी सगळे झाले, त्याच्या नंतर मागीर कॉन्वोकेशन पदवी सोहळा जो असता ताजी साधारण प्रोसिजर कशी असता, कॉन्वोकेशनची प्रोसिजर कशी असता, किंवा रिझल्ट ताजो जो असता तो भुरग्यांक कसो मेळटा, किंवा ती साधारण प्रोसिजर कशी असता? कॉन्वोकेशन रिजल्ट एंड कॉन्वोकेशन. देखिए रिजल्ट की बात, हमारा ये यूनिवर्सिटी का पॉलिसी है कि जब परीक्षा लिखते हैं हम तो 45 डेज के अंदर अंदर हम जो है रिजल्ट दे देते हैं. अभी जैसे दिसंबर का एग्जाम, हमारा दिसंबर का एग्जाम खत्म हुआ है 3 जनवरी को, क्योंकि बीच में इलेक्शन है झारखंड में, तो उन 3 दिनों को हमने कहीं पे भी एग्जाम नहीं किया. okay. वरना हमारा 31 को हो जाता है. okay. तो उस वजह से भी 3 जनवरी को खत्म हुआ. हाँ. तो 3 जनवरी से आप गिन लें 45 डेज, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के आपके रिजल्ट आ जाते हैं. okay. कॉन्वोकेशन हमारा होता है मार्च या अप्रैल के महीने में.
मेन फंक्शन हमारा रहेगा हेडक्वार्टर दिल्ली में ओके और हर रीजनल सेंटर जो स्टेट कैपिटल में है उसी टाइम पे उनका भी फंक्शन हो रहा होता है तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं आप यहाँ पे अटेंड करेंगे जो लोग बैंगलोर में वो लोग वहाँ पे करेंगे जो लोग गुवाहाटी में वो लोग वहाँ पे करेंगे तो सेम टाइम पे ये फंक्शन पूरे हिंदुस्तान में होता है कॉन्वोकेशन उसके लिए आपको जो है स्टूडेंट को फीस भरना होता है डिग्री के लिए क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट का हमको प्रिंटिंग का जो खर्च होता है वो होता है 600 तो उसके लिए पहले हेडक्वार्टर से जाएगा कि आप अभी आने वाले कॉन्वोकेशन का एलिजिबल हैं आपको इतना फीस भरना है तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे और आप बताएंगे कि आपको कहाँ अटेंड करना है हो सकता है आप दिल्ली में जाके अटेंड करना चाहें हो सकता है आप बैंगलोर में जाएं मर्जी आपकी उस हिसाब से दिल्ली से जो आपका डिग्री वहाँ पहुँचा देते हैं फिर आप फंक्शन अटेंड करेंगे और वहाँ से ले लेते हैं कॉन्वोकेशन सर आता तुमच्या कॉलेजांसुद्धा तुम्ही आता कोऑर्डिनेटर म्हणून इतली वर्ष आता हे काम पळता तर ही सगळी माहिती आम्ही पळेलीच पण तुमचं वैयक्तिक अनुभव म्हणजे साधारण भुरग्यांचा रिस्पॉन्स म्हणा किंवा कशा पद्धतीने भुरगे शिकतात आणि कसं त्यांना पुढे त्याचा उपयोग जाता ह्याच्याविषयी थोडी आमकां माहिती द्या जनरली आता चढशा इग्नो म्हणजे किती ते सगळ्यांना कळपाक लागलं पहिली थोडा रिस्पॉन्स असतालो जनरली जे आमचे जे स्टुडंट असतात जे आर्मी नेव्ही जे चढ़े एडमिशन ये घतत कि रिटायरमेंट जे जे कमी आता एक वैशिष्ट मटले आर्मी के नेवी के स्टूडंट सगले ऑनलाइन जे कि डेडलाइन जे फॉलो करता टाइमर असाइनमेंट दिता टाइमर फॉर्म भरता हे अवेरनेस गोयकार अजू तथले ना मे करियर सुशेगत पीपल के भरपे करना पड़ू सगळ्यांक कळपाक लागलं टायमार केलं जातलें ना जाल्यार खूप वर्सां लागतली 6 वर्सां काढची पडटली बस जावपाक 3 वर्सांक करपाक जाय तुमकां सगळें रेगुलर करपाक जाय बरोबर आणि एडिशनल कोर्सेस जे आसा इग्नोचे ते करपाक लागल्यात किंवा बी ए बी कॉम हे जनरली आमचे 90% भुरगे कॉलेजीन वयतातच बरोबर त्या कारण तांकां एडिशनल जे कोर्स आसा लायब्ररी सायन्स आसा किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट आसा मॅनेजमेंटाचे कोर्स एम बी ए आसा टुरिझम आसा वेगवेगळे कोर्सी आसा तेका एडमिशन घेऊक लागलात आणि अवेअरनेस सगळ्यांक जायत असा आणि इग्नोचे स्ट्रेंथ जे असा ते वाढत असा तर मॅडम अभी आप भी यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर करके काम तो आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसे रहा है बहुत साल अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो कैसे बच्चे आ रहे हैं कौन से कोर्सेज के लिए और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा है और जो बच्चे आते हैं जैसे मैंने कहा वो कॉमर्स और अकाउंट से बहुत ही रुचि लेते हैं यहाँ पे और मास्टर डिग्री में देखेंगे तो एमए इंग्लिश और दूसरा एमए एजुकेशन और एमए एजुकेशन की बात हो रही है तो ये भी हम बता दें जुलाई तक एमए एजुकेशन के सीट्स वो जो है बहुत ही कम होते थे तो मेरिट बेस पे हम लोग एडमिशन करते थे लेकिन अब वो जो है डिग्री दिखा के अब एडमिशन ले सकते हैं तो जो भी विद्यार्थी हमारा एमए एजुकेशन में लेना चाहें वो भी ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं तो ये पॉपुलर है और जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी साइंस में हमारा 6 महीने का सर्टिफिकेट भी है 1 साल का बैचलर्स भी है और मास्टर डिग्री भी है तो लाइब्रेरी साइंस भी हमारा बहुत पॉपुलर है और फिर ये न्यू फूड सर्विस एंड डाइटेटिक्स ये हमारा पॉपुलर है और कुछ कुछ लोग तो इतने अच्छे से पढ़ते हैं जैसे एक जना ने हमारा बीसीए पढ़ लिया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फिर एमसीए कर लिया अब उनका ईमेल था कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ पीएचडी जो है रीजनल सेंटर में नहीं होता आता सर एक असो प्रश्न येता की हे सगळे कोर्सेस भुरगे करतात पण केन्ना केन्ना अशी एखाद्या एरियेत जसे मॅडमने म्हटले की कॉमर्सा खातीर भुरगी खूप येतात मागीर अशा तरेच्या हाका समजा खूप चढ रिस्पॉन्स आयलो जाल्यार मागीर ताका तुम्ही कशा पद्धतीन हे करतात म्हणजे केन्ना केन्ना तुमच्या अपेक्षेपेक्षा संख्या चढ बी येता तुमचे कडे एक एकदा जाता एकदम तसे अमकेच ॲडमिशन दिवप असे लिमिट ना बरोबर कितले कोर्स करपाक जाता कितले स्टुडंटांनी ॲडमिशन घेऊ केन्ना केन्ना 20 भुरगे असू शकता 50 असू शकता 100 150 लायब्ररी सायन्स फॉर एक्झाम्पल आता जवळजवळ फाटल्या बॅचीक 60-70 भुरगीं आसलीं ते आता वाढू शकता 100 जावं शकता बरोबर डिपेंड आपण लायब्ररीन जे मार्केट जर असा समजा तुमकां जर जॉब अवेलेबल असा तर लायब्ररी सायन्साचे स्पेशल हांव सांगतां आमची जी स्कुलां जी आसली त्यांना पहिली त्यांना लायब्ररियन हो पोस्ट केन्नाच नसलो बरोबर गव्हर्नमेंटान या 2-3 वर्सां पहिली लायब्ररियन पोस्ट क्रिएट केलो तसंच कॉलेज लायब्ररियन लायब्ररियन ग्रेड 1 लायब्ररियन ग्रेड 2 असे नवीन पोस्ट तयार केले ताका लागून जॉब उपलब्ध असतात बरोबर फक्त या शाळेच्या इन्स्टिट्युशनांनी न्हू हॉटेलांनी खंयच्या बिझनेस स्कुलांनी बरोबर लायब्ररीन पोस्ट असू शकता
मग त्याका लागून हे जो लायब्ररी सायन्स कोर्स आहे तो पॉप्युलर जायत चाललेलो आहे. लायब्ररी सायन्स की बात हो रही है तो मैं ये भी कहूंगी टूरिज्म. ओके. और इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा गोवा में बहुत सारे जो हैं होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा स्कूल्स हैं. वो लोग एक साल दो साल या तीन साल का डिप्लोमा करते हैं लेकिन तीन साल के बाद उनके हाथ में सिर्फ एक डिप्लोमा है. वो चाहते हैं कि एक डिग्री होना चाहिए. करेक्ट. तो बहुत सारे ऐसे होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं जहाँ पे जाके हमने उनको अपने एडमिशन्स के बारे में बताया और उनको हमने हमारे जो तीन साल का डिग्री प्रोग्राम है टूरिज्म में उसमें उनका दाखिला कर लिया. ओके. तो टूरिज्म में हमारे पास एक है जो है बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज और एक है बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट वोकेशनल. तो दोनों में जो है एडमिशन ले सकते हैं. ओके. और जैसे मैंने कहा फीवर उनके लिए भी है और ये बहुत ही पॉपुलर है. इस वक्त कम से कम ऐसे 5 होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं गोवा में जिनके विद्यार्थी हमारे पास जो हैं बैचलर डिग्री पढ़ रहे हैं टूरिज्म में. सर आता एक असो विषय आला की वेगवेगळ्या संस्थांकडेन शिक्षणिक संस्था कॉलेजीकडेन इग्नू जोडिल्लो असा गोयात तर अशो साधारण कितल्यो संस्था असात कितल्या संस्थांनी हो कोर्स चलता किंवा वेगवेगळे कोर्सेस म्हणजे कितल्या जणांकडे एफिलिएशन इग्नूचे असा. इग्नोचे आमचे पहिले गोयन जे पहिले स्टडी सेंटर झाले ते मडगाव दामोदर कॉलेजीन झाले. ओके. त्याच्या उपरांत धेंबे कॉलेज त्याच्या उपरांत मागीर फादर अग्नेल कॉलेज हे आमची तीन व्हडली सेंटरां. ओके. त्याच्या उपरांत हालींच खंडोळा हांगासर स्टडी सेंटर ओपन झालां. काणकोणा ओपन जाल्लें आसा. हय. आनी काय काय एक स्टडी सेंटरां जायते जाण एप्लाय करतात ते मॅडम बरे भाशेन सांगू शकता. हमारे पास 12 स्टडी सेंटर है. ओके. क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय केंद्र पणजी तो हमारा जो रीजनल सेंटर हेडक्वार्टर वो पणजी है. okay. लेकिन हमारे पास 4 जिला हैं नॉर्थ गोवा साउथ गोवा सिंधुदुर्ग और उत्तर कन्नड़. oh. तो 4 डिस्ट्रिक्ट है. तो इसीलिए हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं ये चारों जगह पे हैं. ओके. okay. और टोटल 12 हैं और उनमें से एक है जिसमें सिर्फ जो है एजुकेशन चलता है MA एजुकेशन. ओके. और बाकी में बीए बीकॉम सब जगह है. और जो हमारा सबसे पुराना सेंटर है वो है हमारा मड़गांव का सेंटर. ओके. वहाँ पे आप एमकॉम भी पढ़ सकते हैं मास्टर इन सोशल वर्क भी कर सकते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. हमारे सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जो है वहाँ पे हैं. हाँ. एक कॉल आमच्या कडल्यान आयलो असा. नमस्कार. हेलो. हेलो. हाँ. राजश्री परब. हाँ. तुमका योकार तुमचो प्रश्न विचारात. हा माझो प्रश्न असो आशिल्लो की हावेन LLB केल्या रेग्युलर कॉलेजीतल्यान आणि माका आता LLM करपाक जाय पण कॉलेजीन वचून करप शक्य ना. सो इग्नून अशे किरे आसा LLM करपाक. थँक्यू. LLM whether it is available. एक्चुअली मैं समझ ली ये LLM करना चाहते हैं लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडी है वो लॉ कोर्सेज डिस्टेंस मोड पे अलाउ नहीं करता. तो इसलिए हमारे पास ना LLB है ना LLM है. लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे छोटे 6 मंथ के और 1 साल के कोर्सेज हैं जो लॉ रिलेटेड हैं. जैसे आप चाहें तो पेटेंट प्रैक्टिस पे कोर्स कर सकते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कर सकते हैं. साइबर लॉ पे कर सकते हैं. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे कर सकते हैं. लेकिन LLB LLM आपको जो है वो किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है. क्योंकि बार काउंसिल का रूल है वो. इसीलिए जे प्रोग्राम असतात ते प्रॅक्टिकल जाय पडतं. बरोबर. सगळेच असे डिस्टन्स मोडर असे जाणं म्हणून ते काय सब्जेक्ट आणि सरकारचे सुद्धा काही नियमावली म्हणा किंवा त्यांचे काहीतरी गाईडलाईन्स आमकां फॉलो करचे पडतात. तर खूप बरी अशी चर्चा आमची उद्योजन चालू असा. एक असो प्रश्न असा की समजा एखाद्या संस्थेक समजा आपल्या हातूंत कॅम्पसांत जर एक स्टडी सेंटर उघडपाचे असत जाल्यार ताज्या खातीर प्रोसिजर किती म्हणजे कोण उघडू शकतात. हू कॅन ओपन स्टडी सेंटर. स्टडी सेंटर हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे जो है हायर एजुकेशन कॉलेज होना चाहिए. ओके. तो मतलब स्कूल में या कहीं कहीं एकेडमी होती है कोई कंप्यूटर एकेडमी होता है वहाँ पे सेंटर नहीं होगा. ओके. कॉलेज होना चाहिए. कॉलेज का एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी के साथ ही होना चाहिए. ओके. उनके पास वो फैकल्टी होना चाहिए जो हमारे कोर्सेज में जो है अपना सर्विस दे सकें. ओके. जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमें MSc होम साइंस चलाना है तो हमें ऐसे कॉलेज के साथ एफिलिएशन करेंगे जिनके पास पहले से वो सब्जेक्ट है और जो फैकल्टी है वो लेबोरेटरी है. जैसे BSc देख लीजिए हमारे पूरे रीजन में BSc सिर्फ डेम्पे कॉलेज में है. ओके. क्योंकि आपको कंप्यूटर सॉरी लेबोरेटरी में जो जो चाहिए वो सिर्फ उनके पास है. अगर आप चाहते कोई कहता है कि हमारे पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है हम सेंटर बनना चाहते हैं तो हम उनका हार्डवेयर का सब मंगाएंगे कि आपके पास क्या क्या सॉफ्टवेयर है बताइए फैकल्टी कहाँ तक एक्सपीरियंस्ड है ये सब देखते हैं. okay.
और अभी हर स्टडी सेंटर ऐसे होकर जो एज पर यूजीसी गाइडलाइंस है. ओके, तर एक आता असो प्रश्न येता की इग्नू विषयी आम्ही म्हणता की खूप लोकांक खबर असा पण जायत्या लोकांक खबरूय ना, तर इग्नू बद्दल लोकांच्या मनात एक जागरूकता निर्माण जावची आणि त्याच्याबद्दल एक सगळी माहिती पावची हाज्या खातीर तुमचे कडल्यान किती प्रयत्न चालतात किंवा किती ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही घेतात? आता अवेअरनेस करपाक आम्ही जायते प्रोग्राम करतात, भुरग्यांक वचून वचून सांगतात हय, किंवा पेपरार ॲडवर्टाईज वगैरे घातलेली असतं हय. आणि आता जे जे माध्यमं असा व्हॉट्सअप म्हणा आणि बाकीचे जे सोशल माध्यम असा बरोबर त्याच्या कडल्यान लोकांकडे गोष्टी पावतात हय. आणि कोणी एकमेकांक सांगणारे असतात बाबा तू ॲडमिशन करू ना किती बेकार बसला बरोबर अरे वचन इग्नोचे किती तरी कर हय. अशा तऱ्हेन ते अवेअरनेस जातात आणि आता कोण ना कोण कसलो ना कसलो कोर्स करीत असतात म्हणजे कोण असं बेकार असं ना किंवा टाईम काढलं किंवा जॉब करता असतानाय करता कित्याक फुडले त्या ऑपॉर्च्युनिटी प्रमोशन ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय म्हणून ते चालू असतं. आता ते व्हडले किती ॲडवर्टाईज करपाची आता आमकां गरज किती उरूंक ना. बरोबर, तर अभी आप तो बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे चलाते हो लेकिन इन आने वाले समय में आपके नए कुछ कोर्सेस या फिर नए ऐसे इनिशिएटिव्स कुछ हैं प्लान में आपके विच वुड लाइक टू टेल द पीपल? देखिए कुछ कुछ कोर्सेस हैं जो हेडक्वार्टर में कहता है यहाँ पे चलाने के लिए. ओके, उसमें से एक है जो मुझे लगता है यहाँ पे उसकी बहुत ही स्कोप होगी गोवा में, लेकिन उसको हम तभी अनाउंस कर सकते हैं जब हमें उसकी फैकल्टी मिले. ओके, जैसे आपको पता है अभी टूरिज्म के लिए गोवा बिल्कुल माना जाता है, तो ऐसा एक कोर्स ऑलरेडी हमारा आ चुका है हेडक्वार्टर में. ओके, विच इज ऑन इवेंट मैनेजमेंट. ओके, तो उसके लिए अभी हमने शुरू किया है. हाँ. सारी कॉलेजेस को हमने लिखा है कि अपनी फैकल्टी का बायोटाइप दीजिए. ओके, अगर वो हमारे नॉर्म्स से फिट करता है तो हम कोर्स चलाना चाहेंगे. ओके, तो नया चीज तो वही होने वाला है. तर एकंदरीत इग्नू आणि तुमच्या एकूण ह्या क्षेत्रीय केंद्राचं आणि बाकी सगळ्या तुमच्या संस्थांचा हो प्रवास खूप बरे तऱ्हेन चालला आणि तुमच्या येता त्या फुडल्या प्रवासाखातीर आमच्यो खूप शुभेच्छा. तरी वतना असताना आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांखातीर एक टेक होम मेसेज म्हणा किंवा ताणी इग्नूचो विचार गांभीर्यान कित्याक करचो असे ताचे तुमचे विचार किंवा तुमची एक संदेश त्यांच्या खातीर. कितें शिकले फक्त जॉबा खातीर शिकप असे ना, कितें तरी वाच शिकल्या उपरांत तुमकां ज्ञान मेळटा. आनी आतां बरेचशें अशें आसा जाणटेपणान ताका इग्नोचे कोर्स करता कित्याक ज्ञाना खातीर करता, कित्याक इग्नोचे जे बुक्स आसा जे स्टडी मटेरियल आमी म्हटल्या ते इतले ते वॅलीड आसा, ते इतले इम्पॉर्टन्स आसा, भरपूर ज्ञान मेळूं शकता. बरोबर, आनी ते स्टडी मटेरियल 30-40 बुकां एका कोर्साक येता. बरोबर, आनी 2000 रुपया म्हणजे कांयच न्हू, एडिशनल तुमकां ज्ञान मेळटा. बरोबर, म्हणजे ताका लागून हे इग्नो तल्यान खंयची डिग्री करप योग्य अशें म्हाका दिसता. हमारा मटेरियल इतना अच्छा है कि जो हमारे स्टूडेंट नहीं है वो खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम करते हैं या जो उनके कई ऑफिस में काम आता है, जैसे अभी पिछले हफ्ते एक जना ने हमें फोन किया उसको किताब खरीदना था. अब हम सेल तो नहीं करते हैं, सेल तो हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली से होता है, लेकिन वो अपने ऑफिस के लिए एक सिंपल इंग्लिश का मॉड्यूल बनाना चाहते हैं. ओके, तो उसके लिए उनको हमारे मटेरियल चाहिए. ओके, बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखते हैं वो हमारा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सोशोलॉजी उसका किताब जो खरीद के ले जाते हैं. ओके, और जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे मटेरियल जो है वो देख के उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जैसे जो हमारा बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो रिकॉग्नाइज बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन. ओके, ओके, जो हमारा नर्सिंग है रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो मैनेजमेंट है दैट इज रिकॉग्नाइज बाय एसीटी. तो किताब और डिग्री और जो ये कंटेंट है उसके बारे में किसी को कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए. और आप कहेंगे टेक होम मैसेज, मैं कहूँगी कि जो भी पढ़ना चाहे, चाहे आप 6 महीने के लिए पढ़ें या 3 साल के लिए पढ़ें, चाहे आप सिर्फ क्यूरियोसिटी में से पढ़ना चाहें या अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, हर जने के लिए कुछ ना कुछ इग्नू में उपलब्ध है. आप बस हमारे पास आ जाइए कभी भी, या ईमेल कर ले या फोन कर ले. हर चीज का जो है सवाल आंसर दे सकते हैं. ओके, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ म्हळ्यार इग्नू हातूंतली प्रवेश प्रक्रिया या विशयाचेर आयज खूप बरी चर्चा हांगा झाली आणि इग्नूच्यो पणजे केंद्राच्यो क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर कामेश्वरी मूर्ती, तशेंच फादर अग्नेल महाविद्यालयातले ग्रंथपाल श्री मिलिंद म्हामल हांगा सहभागी झाले आणि खूप बरी चर्चा झाली, तुमच्या कडल्यान खूप माहिती मिळी, आमच्या पळोवप्यांक सुद्धा खूप माहिती मिळाली असतली. तरी आयच्या या कार्यक्रमात तुम्ही हांगा सहभागी झाले ते खातीर पणजी दूरदर्शनच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, धन्यवाद.